एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ टाइम एक्चुअली मैंने ब्रेक लिया था यूट्यूब से लिस्ट टाइम मैंने यूट्यूब से ब्रेक लिया था उसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया था। लेकिन जब मैंने ब्रेक लिया तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा, व्हाट डिड यू एक्चुअली डू टू बी प्रोडक्टिव एंड व्हाट चेंजेस डिड यू ब्रिंग इन योर लाइफ। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ 5 पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो इस क्वारंटाइन टाइम या जिसमें हम एक्चुअली कम सोशलाइज हो रहे हैं और जिसमें हम घर में ही बैठे हुए हैं, ज़्यादा हम बाहर जा नहीं रहे हैं, इसमें मैंने क्या चीज़ें अपनी लाइफ में चेंजेस किए हैं एंड यू नो फॉर द बेटर आई गेस। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो इन 5 चीज़ों को अगर आप करोगे जो मैं आपको अभी बताऊँगी, यू विल फील अ लॉट मोर एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेरी सिंपल थिंग जो मैंने अपने लाइफ में इंक्लूड किया है, एंड दैट इज़ टू हैव अ डिटॉक्स ड्रिंक। मॉर्निंग में सबसे पहले डोंट हैव योर टी, डोंट हैव योर कॉफ़ी, डोंट इवन हैव योर ब्रेकफास्ट। वॉट आई रिकमेंड इज़ हैव अ डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स टी, कुछ भी जो आप मॉर्निंग में लो। तो मैं आपको एक डिटॉक्स वाटर का रेसिपी शेयर करती हूँ। सो अव्यान इज हियर विथ मी, अव्यान से हाय। ओके, यू ओनली नीड अजवाइन एंड वाटर। तो अगर अभी आपके यहाँ कोल्ड चल रहा है तो मैं तब का बता रही हूँ, हम एक्चुअली कोल्ड में मैं ये अजवाइन वाटर बहुत लेती थी। आप बस एक चम्मच, एक ग्लास पानी ले लो, उसमें एक चम्मच अजवाइन डाल लो और उसको खौला लो जब तक वो पानी एक्चुअली आधा ना हो जाए, और सुबह आप इस पानी को पी लो। यू विल फील ब्लोटिंग नहीं होगा एंड यू नो आपका आपका बॉडी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू विल हैव ग्लोइंग स्किन एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ऑब्वियसली आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट का चैनल देख लो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई डू, आई हैव इंक्लूडेड दिस इन माय लाइफ। सेकेंड थिंग जो मैंने बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर अपने लाइफ में चेंज किया है इज टू स्टे अवे फ्रॉम न्यूज़। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल यू नो आपको कुछ दुनिया के बारे में पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, पता चलना चाहिए, दैट इज फाइन। थैंक यू बेबी। आप टेंशन वाले न्यूज़, यहाँ पे इसने ये हो गया, यहाँ पे कोरोना इतना बढ़ गया, यहाँ पे कुछ हो गया, न्यूज़ में तो हर टाइप की चीज़ें आएंगी एंड आई डोंट वॉन्ट टू कंज्यूम नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव थिंग्स एज सून एज आई वेक अप। तो मैं अपनी मतलब पूरा मैं अपने मॉर्निंग को और अपने दिन को प्रोडक्टिव रखने के लिए जितना भी इस न्यूज से दूर रह सकूँ मैं उतना दूर रहती हूँ ऑनेस्टली। एंड या दिस इज रियली बॉट अ वेरी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव चेंज इन माई लाइफ। स्टार्टिंग में जब एक्चुअली क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ एवरीवन वाज लाइक कि कितना नंबर हो गया, अब कहाँ लॉकडाउन हो गया, अब क्या हो गया, और हर तरह का न्यूज़ इतना ज़्यादा मैं कंज्यूम भी कर ले रही थी कि कई बार बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाते थे। आई डोंट वॉन्ट दैट इन माई लाइफ एंड सो जस्ट मेक श्योर इवन इफ़ यू आर कंज्यूमिंग न्यूज़ इट्स एट द लेटर टाइम ऑफ द डे, नॉट इन द मॉर्निंग। आपकी मॉर्निंग थोड़ी प्रोडक्टिव स्टार्ट हो एंड स्टिल आई वुड से कि जितना न्यूज़ से यू नो दूर रहो ज़्यादा बेटर। थर्ड थिंग जो मैंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही इंट्रोड्यूस किया है इज़ टू क्लीन माई होम। मैंने इस बीच लिटरली, क्योंकि हम घर में भी हैं बहुत टाइम से, अब तो नियरली 1 ईयर होने वाला है, तो मैंने वो सारे हिस्से भी क्लीन कर दिए जो, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी मुझे इतना टाइम, हम ऑफिस जाते थे आने जाने में टाइम ही नहीं मिलता था। अब मैं घर में थी तो मैंने अपने लिटरली घर के हर कोने को साफ कर दिया है, तो दैट यू कैन डू। आई थिंक क्लीनिंग इज़ वेरी थेरियोपेडिक, मतलब बहुत ही ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है मैंने कुछ बहुत प्रोडक्टिव किया है। एंड व्हेन यू एक्चुअली क्लीन, कई बार हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो हमने सोचा नहीं था अच्छा ये भी था मेरे पास और कहाँ रखा था मैं, मुझे याद ही नहीं है, दैट हैपेंस। तो या मतलब क्लीनिंग माय होल होम, चाहे मेरा वार्डरोब हो, चाहे किचन हो, चाहे बेडरूम हो, चाहे बेड के अंदर का हिस्सा हो जो कि कभी खुलता नहीं है, जो कभी साफ नहीं होता है, सब कुछ साफ कर डाला मैंने, सब साफ कर डाला। पॉइंट इज जो मैंने अपने लाइफ में अब इंट्रोड्यूस करने का ट्राई किया है दैट इज फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। मुझे ऐसा लगता है बींग अ फीमेल या बींग अ गर्ल, आई फील लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड और मल्टी यू नो ये सब कुछ एक साथ कर सकते हैं, मल्टी टास्किंग राइट, आई फॉरगॉट द वर्ड, हम मल्टी टास्किंग करते हैं और हम उस बात के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं तो मल्टी टास्कर हूँ, मतलब मैं तो मोबाइल भी देख लेती हूँ, टीवी भी देख लेती हूँ और उसी समय मैं अपने बच्चे का भी कुछ कर लूँगी या मैं और भी कोई काम कर लूँगी।
बट आई हैव रियलाइज्ड विद टाइम कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो आई थिंक हम किसी भी चीज में पूरा 100% प्रोडक्टिव नहीं दे पाते हैं. इसलिए मुझे लगता है कि जब भी अब मैं कुछ भी काम करूं, इवन अगर वो काम ये भी है ना कि मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स का एक एपिसोड देख रही हूँ, किसी भी सीरीज का एपिसोड देख रही हूँ. पहले क्या होता था कि नेटफ्लिक्स सामने चल रहा होता था और मैं मोबाइल में भी स्क्रॉल कर रही हूँ, अव्यान के ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, अगर अभिषेक कुछ बोल रहे हैं उसका भी ध्यान दे रही हूँ, मुझे कुछ अपना काम करना है मैं वो भी कर रही हूँ. तो ना ही मैं नेटफ्लिक्स का सीरीज इंजॉय कर पाई, ना ही तो मैं इंस्टाग्राम देख पाई, ना ही तो मैं जो तीसरा काम करी थी वो कर पाई. तो आई फील कि अगर आप एक चीज पे एक ही टाइम फोकस करोगे तो यू कैन गिव 100% टू दैट वर्क, एंड आई हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. सो या दैट इज समथिंग यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर अब तक ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना. आई मेक ऑल काइंड ऑफ फैशन, स्टाइलिंग, मदरहुड, कैजुअल, प्रोडक्टिविटी, मदरहुड, सब टाइप का जो मतलब ऑनेस्टली जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ या जिस चीज़ में मुझे लगता है कि मैं किसी से अपना नॉलेज शेयर कर सकती हूँ. कम टू द लास्ट पॉइंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग, एंड आई मीन एवरीथिंग. अगर आप जॉब करते हो तो, अगर जॉब नहीं करते हो, इफ यू आर जस्ट अ मदर तो भी यू नो टेक हेल्प फ्रॉम अवर बेबी को एक या दो दिन के लिए उसके नानी के पास छोड़ दो, दादी के पास छोड़ दो, और टेक ब्रेक. यू नीड इट, आई नीड इट. आई रियली थिंक कि टेकिंग ब्रेक इज सो इम्पॉर्टेंट. आई ऑल्सो थिंक कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, दिस टाइम इज सो ओवरवेलमिंग. ऐसा टाइम लिटरली कभी किसी ने नहीं देखा जो हम इस टाइम 2020 में हमने देखा है. तो इट इज़ ओवरवेलमिंग, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबली अनयूजुअल फॉर टू से द लीस्ट एक्चुअली, क्योंकि ना कभी किसी ने सोचा था, ना कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया, तो हम किसी का एक्सपीरियंस से ड्रॉ तक नहीं कर सकते हैं. ये सब कुछ पहली बार हो रहा है हमारे साथ. तो इट्स ओके टू टेक ब्रेक, इट्स रियली ओके. अगर आप जैसे मैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाह रही हूँ, इंस्टाग्राम ग्रो करना चाह रही हूँ, बट स्टिल आई टुक अ ब्रेक बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग मी अलॉट, कि मैं इतना वीडियो डाल रही हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग एनी व्यूज. यू नीड सम काइंड ऑफ ब्रेक कि अपने दिमाग को थोड़ा यू नो यू गिव रेस्ट एंड देन यू सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, एंड या दैट रियली हेल्प. So if you think you like this video and you really like this concept, let me know in the comment section. Be cute. And yes, say hi to Avyan. Hi. And please subscribe, like, comment, share. And I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay grateful. Bye.